राम भगवान की तो हर एक अच्छी बात को हम जानते हैं, जितना हमारे लिए राम भगवान पूजनीय है उतने ही हम रावण को दुष्ट मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण में कुछ ऐसी खास बातें थी जो उनको बहुत ज्यादा आकर्षित बनाती थी। शायद रावण जैसा भी कोई नहीं हो सकता, जैसे राम जैसा कोई नहीं हो सकता। जी हाँ, स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज में, और एक बार फिर से मैं आपके साथ साधिका कौर। आज हम आपको बताने वाले हैं रावण की वो खास बातें जिनको जानने के बाद आप वाकई हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, वो खास बातें कि रावण जैसा क्यों कोई नहीं हो सकता। तो देखिए हमारी ये रिपोर्ट। जब भी हमारे मन में रावण का ख्याल आता है तो हम रावण को एक अहंकारी इंसान और स्त्रियों को भोग विलास की नजरों से देखने वाला, दूसरों को तुच्छ समझने वाला एक नासमझ असुर मानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण एक असली शिव भक्त था जो अपने परिवार की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। इतना ही नहीं, वो सर्वशक्तिशाली एक महान राजा था जो अत्यंत ही बुद्धिमान था। दोस्तों, आज हम आपको रावण के कुछ ऐसे रहस्य बताएंगे जिसे जानकर आपको भी यकीन नहीं होगा। जी हाँ, आपने अक्सर सुना होगा कि रावण भगवान शिव का एक बहुत बड़ा भक्त था और भगवान शिव की भक्ति में वो इस कदर लीन था कि भगवान शिव को वो कैलाश पर्वत से लंका ले जाना चाहता था, जिसके लिए उसने कैलाश पर्वत को उठा लिया था। लेकिन भगवान शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने पर्वत पर पैर रख दिया और पर्वत के नीचे रावण की उंगली आ गई। इसके बाद दर्द से बुखार रावण तेज तेज शिव तांडव करने लगा। ये देख भगवान शिव प्रभावित हो गए कि कोई दर्द में भी ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद ही भगवान शिव ने रावण को रावण का नाम दिया, जिसका अर्थ है जोर जोर से दहाड़ना। वहीं कहा जाता है कि रावण एक घोर तपस्वी था और तपस्या से उसने अपनी शक्तियां हासिल की। और एक बात तो अमृत की प्राप्ति के उद्देश्य में रावण ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की थी, जिसमें उसने ब्रह्मा जी से अमृत का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने रावण को ये वरदान देते हुए कहा था कि तुम्हारा जीवन तुम्हारी नाभि से स्थित होगा। तभी श्री राम जी के साथ युद्ध में जब रावण उतरा था तो रावण को रावण की सेना प्रभु श्री राम और श्री राम की सेना पर अंत में भारी पड़ने लगे थे। तभी ये रहस्यमयी राज भीष्म ने राम को बताया। वही भगवान राम जानते थे कि रावण विद्वान है। तभी वो जब रावण के प्राण निकल रहे थे, तब श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को रावण के पास जाकर उसकी बात सुनने को कहा था। जब रावण ने लक्ष्मण को तीन बातें बताई थी, जिसमें पहली बात है कि शुभ कार्य को जितना हो सके उतनी जल्दी कर लेना चाहिए और शुभ कार्य को जितना टाला जा सके उसे टाल देना चाहिए। वही रावण ने दूसरी बात बताई, लक्ष्मण को बोला था कि शत्रु और रोग को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटा रोग भी प्राण के लिए घातक है, छोटे से छोटा शत्रु विनाश का कारण बन सकता है। रावण में श्री राम लक्ष्मण और उनकी वानर सेना को तुष्ट समझा था और वही रावण की मृत्यु का कारण बना। वही रावण ने लक्ष्मण को कहा था कि अपना कोई भी गुप्त राज किसी को भी नहीं बताना चाहिए, चाहे आपका कोई कितना भी प्रिय हो। अगर कोई अपना राज किसी के आगे प्रकट कर देता है तो उसके लिए वो मुसीबत बन सकता है। रावण की नाभि में अमृत कुंड का रहस्य रावण ने विभीषण के आगे प्रकट कर दिया था, जो बाद में उनकी मृत्यु का कारण बना। वहीं रावण का पिता एक ब्राह्मण था और उसकी माता एक राक्षसनी। तभी रावण के पास ब्राह्मणों जैसा दिमाग था और राक्षसों जैसी शक्ति। वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण सत्य मुनि का पोता था, अर्थात उसके पुत्र विशर्वा का पुत्र था। विशर्वा की बरेबरीनी और केकई नाम की दो पत्नियां थी, जिसमें से केकई ने अशुभ समय में गर्भ धारण किया था। इसी कारण से उसके गर्भ में रावण और कुंभकर्ण जैसे क्रूर स्वभाव वाले भयंकर राक्षस उत्पन्न हुए। तो इस तरह रावण का जन्म हुआ, जिसका अंत भगवान श्री राम के हाथों हुआ। वहीं रावण बेहद बुद्धिमान और मायावी असुर था, जिसने अपनी बुद्धिमानता और बल से कई देवों को हराया था और शनिदेव और इंद्रदेव तक को रावण ने अपना बंदी बना लिया था। और जो रावण की सोने की लंका है, वो भी उसने बल और अपनी बुद्धिमानता से अपने सौतेले भाई
कुबेर से छीनी हुई थी, जिसके बाद उसने लंका के साम्राज्य को दक्षिण भारत के कुछ राज्यों के साथ काफी दूर तक फैला दिया था। अगर आज के समय में रावण के साम्राज्य का हिसाब लगाया जाए तो इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार इन सब तक रावण का साम्राज्य फैला हुआ था। वहीं रावण के पास कई पुष्पक विमान थे जो उसने अपने सौतेले भाई कुबेर से जंग में जीते थे। ये विमान ब्रह्मा जी ने कुबेर को दिए थे। पुष्पक विमान की ये खासियत थी कि वो अग्नि वायु सम्मान वायु से चलते थे। इन विमानों की गति तीव्र होती थी, जिन्हें अपनी इच्छा अनुसार किसी भी दिशा में ले जाया जा सकता था तथा इसे आवश्यकता अनुसार छोटा बड़ा भी किया जा सकता था। श्रीलंकन पुरातत्व विभाग के अनुसार रावण के पास 4 हवाई अड्डे थे। वहीं रावण के समय में श्रीलंका और रावण की प्रजा सबसे ज्यादा समृद्धि और खुशहाल थी। यही कारण है कि जिसकी वजह से श्रीलंका में रहने वाले लोग आज भी रावण को अपने भगवान की तरह पूजते हैं। और भारत में भी कई जगह ऐसी है जहां पर रावण को जलाया नहीं जाता बल्कि पूजा जाता है। रावण को कई भाषाओं का ज्ञान था, जिसकी वजह से रावण ने कई बड़े बड़े पौराणिक ग्रंथ खुद लिखे हैं। और आज के समय में लाल किताब, जिसे विवादित किताब माना जाता है, इस किताब को आजकल के बाबा लोग जादू टोना करने में इस्तेमाल करते हैं और कई बाबा इंसान की कुंडली भी बता देते हैं। ये लाल किताब और रावण के द्वारा ही लिखी गई है और कहा जाता है कि रावण जिस ग्रंथ को एक बार पढ़ लेता था वो ग्रंथ उसे पूरी उम्र भर याद हो जाता था। इससे आपको रावण की बुद्धिमानिकता का अनुभव हो गया होगा। वहीं रावण को रुद्र वीणा बजाने की महारत हासिल थी और कई बार भगवान शिव और ब्रह्मा जी को रुद्र वीणा बजा के रावण प्रसन्न कर चुका था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव और ब्रह्मा जी ने उसे कई ऐसी असंभव शक्तियां दी थी कि उसने उसे साधारण से असाधारण और मायावी राक्षस बना दिया था। वहीं रावण एक आज्ञाकारी भाई और एक आदर्श पति भी था। आपने रामायण देखी तो होगी और आपको पता होगा कि कैसे अपनी बहन का बदला लेने के लिए उसने माता सीता का हरण किया, जो आगे चलकर उसकी मृत्यु का कारण बना। वहीं दूसरी ओर अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो उस यज्ञ से उठ गया, जिसके पूरे होने के बाद भगवान राम और उनकी सेना को पराजय कर सकता था। रावण गलत था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आपको बता दें कि उन जैसा ज्ञानी और उच्च विचारों वाला ब्राह्मण भी आज तक इस धरती में पैदा नहीं हुआ। यही वजह है जो श्रीलंका में रावण को पूजा जाता है। कहा जाता है कि रावण सबसे बड़ा विद्वान था। रावण चाहता तो वो राम भगवान को पूरी सेना के साथ खत्म कर सकता था, लेकिन अपनी पत्नी को बचाने के लिए वो उस तपस्या से हट गया, जो तपस्या उसको राम भगवान से जीतने में मदद करती। तो अपनी पत्नी के तो बहुत ज्यादा करीब थे ही रावण, वहीं अपने भाइयों और अपने परिवार की बहुत इज्जत करते थे। चाहे रावण की हमारी नजरों में कैसी भी इमेज हो, लेकिन आपको बता दें श्रीलंका में रावण को पूजा जाता है। वहीं भारत में भी कई राज्य ऐसे हैं, कई गांव ऐसे हैं जहां पर रावण की पूजा की जाती है, सिर्फ ये मानते हुए कि रावण बहुत बड़े विद्वान थे। तभी तो राम भगवान ने लक्ष्मण को आखिरी शब्द सुनने के लिए, 3 बातें सुनने के लिए अंतिम समय में रावण के पास लक्ष्मण को भेजा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।